नमस्कार और आप देख रहे हो RSJ स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया वर्सेस सीरिया के बीच में जो फुटबॉल का मैच शाम को 7:30 पर ये मैच शुरू होगा, तो क्या है इस टीम की हेड टू हेड की दोनों टीमों का रिकॉर्ड और क्या है दोनों टीमों का लास्ट 6 मैच का रिकॉर्ड, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जिस जानकारी से आप खुद से भी एक बढ़िया टीम बना सकते हो GL की स्मॉल की, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेके एंड तक। तो दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है। दोस्तों आप देख सकते हो सुबह जो मैच हुए थे आज के मॉर्निंग टाइम बैक टू मैच विन किए हैं, सेम टीम आपको दी थी और उसी टीम से मैंने खुद विन किया है और आपने भी लगाई होगी, आराम से हमने विन कर लिया होगा, बैक टू मैच फुटबॉल के विन हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले दोनों टीमों का जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों अभी तक टोटल लास्ट 6 मैच बात की जाए तो इंडिया ने 3 मैच विन किए हैं और 2 मैच सीरिया ने विन किए हैं, तो हेड टू हेड का रिकॉर्ड इंडिया का बढ़िया लग रहा है, 1 मैच हुए हैं ड्रॉ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडिया टीम की 2024 की। तो दोस्तों अभी तक इंडिया टीम की बात की जाए 2024 में लास्ट 6 मैच की तो कोई मैच विन नहीं किया है, 3 मैच लॉस 3 मैच ड्रॉ। चलिए दोस्तों बात करते हैं सीरिया टीम की 2024 की, तो इस टीम का रिकॉर्ड बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हो 2 मैच विन किए हैं, 3 मैच ड्रॉ लॉस किए हैं और 1 मैच इस टीम ने ड्रा किया है। तो दोस्तों ये था दोनों टीमों का 2024 का लास्ट 6 मैच का रिकॉर्ड। तो दोस्तों जहाँ पे कोई पॉइंट टेबल नहीं है तो चलिए दोस्तों चलते हैं ड्रीम इलेवन ऐप पे, मैंने जो आपके लिए जो फुटबॉल का टीम बना रखा है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस टीम को आप स्मॉल लीग के लिए 2 मेंबर 3 मेंबर और 10 मेंबर लीग के लिए सेव कर सकते हैं। फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल लीग की टीम और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।